काफिला जो है वो अहमदाबाद से उदयपुर का जो रास्ता है उस रास्ते पे, उस हाईवे पर है इस वक्त, और प्रांतिज का जो टोल टैक्स है उसे क्रॉस कर चुका है। प्रांतिज के टोल टैक्स से अभी करीब हम 15 से 20 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। अतीक अहमद का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ से हिम्मत नगर श्यामला जी होते हुए उदयपुर के रास्ते अतीक अहमद को ले जाया जाएगा प्रयागराज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही जेल के बाहर निकला, बार बार हम ये कह रहे थे अतीक अहमद को डर है कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, तो अतीक अहमद जो है वो जैसे ही जेल से बाहर निकला, सारे मीडिया के कैमरे वहां पे थे और अतीक अहमद ने सबसे बड़ा बयान दिया। अतीक अहमद ने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये डर है, ये आशंका है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए या उसको मार ना दिया जाए या उसकी गाड़ी ना पलट जाए। लेकिन यूपी पुलिस का जो काफिला है वो काफिला अब अतीक अहमद को लेकर यहाँ से प्रयागराज के लिए निकल चुका है। 30 घंटे का ये पूरा सफर है, नॉनस्टॉप चलेंगे। यही बताया जा रहा है कि लगातार जो काफिला है वो चलता रहेगा, उदयपुर से होते हुए प्रयागराज तक अतीक अहमद को ले जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलते ही खुद के एनकाउंटर की जो आशंका है उसे व्यक्त कर दिया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख को यूपी पुलिस जो है वो अतीक अहमद को वहाँ पे कितने बजे पेश करती है, क्योंकि 30 घंटे का रास्ता है, 1275 किलोमीटर अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर प्रयागराज तक का ये सफर 30 घंटे का रहेगा। सड़क के रास्ते अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। तो आपको कि ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियां है ये अतीक का काफिला है, ये अतीक को लेकर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस जिस तरीके से जा रही है, बिल्कुल ठीक पीछे हम अतीक के ठीक पीछे चल रहे हैं। ये पूरा काफिला अतीक की गाड़ी का जो काफिला है वो आगे चल रहा है, हम उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं। ये अहमदाबाद का हिम्मत, अहमदाबाद से उदयपुर का जो रास्ता है उसी बीच जो हिम्मत नगर आता है, ये हिम्मत नगर का रास्ता है। और आप ये देख सकते हैं जो यूपी पुलिस का काफिला है, जो बीच में वैन चल रही है उस वैन में अतीक अहमद बंद है, उसी आप देख सकते हैं कि हिम्मत नगर पहुंचने को है। और लगातार हम इसके साथ साथ चल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इसी वैन में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। फिलहाल हिम्मत नगर के आसपास पहुंचे हुए हैं, जो वैन है वो पहुंच चुकी है। लगातार हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए अतीक अहमद लगातार उसे डर सता रहा है, लगातार जिस तरीके से यूपी पुलिस की गाड़ी पलटती है, और विकास दुबे में भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो एक्सीडेंट था वो हुआ था, हालांकि उसे एक्सीडेंट ही बताया गया यूपी पुलिस के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद को भी ये डर है। और अतीक अहमद जैसे ही जेल से बाहर निकला, तुरंत ही अतीक अहमद की ओर से कहा गया कि कोर्ट के कंधे पे रख के मुझे मारा जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये साफ तौर पर अतीक अहमद का जो डर है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक उसके काफिले के पीछे है। अहमदाबाद से हिम्मत नगर के रास्ते हिम्मत नगर तक पहुंच चुका है ये काफिला। करीब हम कहेंगे कि हम 70 किलोमीटर आगे आप आज गए हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी भी जो 1275 किलोमीटर टोटल होते हैं, तो अभी भी 1200 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करना बाकी है। अब हिम्मत नगर के रास्ते यहाँ से श्यामला जी, श्यामला जी से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़ होता हुआ जो रास्ता है उसी रास्ते पे अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, अतीक अहमद ठीक आगे जो पुलिस वैन है उसी में अतीक अहमद जो है वो यहाँ से उसे ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात है। देखिए सबसे आगे जो वैन है उसमें यूपी पुलिस के 4 सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद है, उसके बाद बड़ी वैन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही लोकल पुलिस की जो पुलिस जो है वो भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यूपी पुलिस जो है हो सकता है कि जिस तरीके से बार बार ये सवाल यूपी पुलिस पे खड़े होते हैं, बार बार राजनीतिक दल जो है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज एक बयान साफ तौर पर दे दिया, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान किया, जिस तरीके से राजनीति हुई, तो उससे कहीं ना कहीं कहेंगे कि पूरी एहतियात बरती जा रही है यूपी पुलिस के जरिए कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, क्योंकि आप देखिए गुजरात का ये रास्ता है, राजस्थान के रास्ते फिर यहाँ से जब सीधा जो हिम्मत नगर इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं, और हिम्मत नगर सिटी से फिर जैसे ही आगे चलते हैं तो करीब 100 किलोमीटर पे राजस्थान बॉर्डर आ जाता है। अब राजस्थान से सीधा उदयपुर, उदयपुर से फिर आगे चित्तौड़ के रास्ते होते हुए प्रयागराज तक ये चलेगा। तो गाड़ी
नॉन स्टॉप चलनी है। कोशिश यही की जाएगी कि गाड़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अतीक अहमद ने तो आशंका जता दी कि हो सकता है कि उसकी हत्या करने की ये कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। वैसे में अब देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या होता है, रिया चल रही है। सबसे पहली वाली जो गाड़ी है उसमें 4 सुरक्षा कर्मी मौजूद है, उसके साथ उनका ड्राइवर है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरी गाड़ी जिसमें अतीक अहमद मौजूद है, और अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो उसी गाड़ी में करीब 10 जितने सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, और जो तीसरा गाड़ी है जिसमें 15 जितने सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूपी पुलिस की वैन सबसे आगे, उसके बाद जो दूसरी वैन है जो आगे लगातार सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी चल रही है, उसके बाद दूसरी गाड़ी में अतीक अहमद है और तीसरी गाड़ी में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। हिम्मत नगर हम क्रॉस कर चुके हैं अब, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, करीब 80 की स्पीड से फिलहाल यहाँ पे गाड़ियां चल रही है, तो कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि 25 से 30 घंटे लग सकते हैं उनको पहुंचने में। क्योंकि जब सुबह यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी यूपी से आए हुए थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि 30 घंटे का वक्त हमें लगा अहमदाबाद पहुंचने में बाय रोड। अब क्योंकि वापस भी जाना है और उसी रास्ते, क्योंकि आए तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम चित्तौड़ वाले रास्ते से होते हुए आए हैं, अब जब यूपी यहाँ से वापस यूपी के लिए निकल रहे हैं तो यही चित्तौड़ वाले रास्ते से ही जाएंगे, तो उनको उतना ही वक्त लग सकता है यूपी पहुँचने में। लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये डर सता रहा है, और खास करके